अक्सर फासिक और फाजर मुजरिम लोग कानून बनाते हैं, ये दुनिया के ऊपर मुजरिमीन के कानून चल रहे हैं। आप देखेंगे इसराइल के खिलाफ अगर कानून बनता भी है या तो बनता ही नहीं है, अगर बनता है तो उसको नाफिज नहीं करते। आप देखें ना, दुनिया के ऊपर इस वक्त मुजरिमीन मुसल्लत हैं, फासिद लोग मुसल्लत हैं, वाशी लोग इस वक्त दुनिया के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, वाशी दरिंदे, जानवरों से भी बदतर। देखें जानवर भी किसी मरहले पे जाके छोड़ देता है। भेड़िया जानवरों में से ऐसा जानवर है कि जो खाता, तो आप जानते हैं कि वो खाता आधी भेड़ भी नहीं है, लेकिन अपनी हवस और शहवत की बुनियाद पे वो काफी सारी मार देता है, खाती एक को भी आधा नहीं खाता, लेकिन मार बहुत सारी को देता है। ये शहवत का नमूना है। आप देखें ये जो आज दुनिया के ऊपर मुसल्लत है अमरीका और इसराइल, ये भेड़ियों से बदतर हैं। और बात करते हैं हुकूक बशर की, बात क्या करते हैं, लोगों को बेवकूफ और अहमक बनाने के लिए मीडिया के जरिए से दुनिया में क्या फैलाते हैं उनके चमचे, कि ये हुकूक बशर के दाई हैं। अब आप देखें हमारे मीडिया के ऊपर भी क्या खबरें चल रही होती हैं, हमारे मीडिया के जी अमरीका खुराक भिजवा रहा है और इसराइल नहीं पहुंचने दे रहा गजा वालों तक, अब अमरीका कह रहा है हमने पहुंचानी, इसराइल कह रहा हम नहीं पहुंचानी, अब अमरीका यहां पर हीरो बना हुआ है मीडिया पर। और सारी दुनिया को पता है जो अहले इल्म है, अहले तहकीक हैं और थोड़ा सा भी बसीरत रखने वाले, कि इसराइल कम कर रहे हैं, अमरीका ज्यादा कर रहे हैं। असल तो अमरीका है, असल फसाद अमरीका है। खुद हसन सईद हसन नसरुल्लाह हाफिज़ाहुल्लाह ने भी अपनी जो स्पीच की, एक बड़ी ख़ास उनकी स्पीच हुई थी जब गजा का वाक़ शुरू हुआ था, तो उन्होंने डायरेक्ट अमरीका को सारा खिताब किया था। क्यों? क्योंकि वो दुनिया को बता रहे थे कि इसराइल मोहरा है, असल अमरीका है, अमेरिका सारा कुछ कर रहा है। तो तवज्जो करें कि ये फिरौनियत है। अब अगर जालिम कानून बनाए वो कानून भी बुरा है, अगर एक फासिक और फाजिर बनाए वो कानून भी बुरा है, क्योंकि वो फिस्क को फजूर की बुनियाद पर बना रहा है। अच्छा, अच्छा भी कोई अच्छा इंसान है, कोई नेक इंसान अपने पास से कानून बनाता है, वो कानून भी बुरा है। कानून वो सिर्फ वो कानून है इंसान के लिए जो अल्लाह की तरफ से हो और अल्लाह की ताईद हो उसके ऊपर, वो कानून है। इस वजह से उस्ताद मोहसन कराती फरमाते हैं कि ख्वाहिशों पे चलने वाले और हत्ता फिर जो नेक लोग भी बाज़ुकात कानून बनाते हैं, जरूरी नहीं आप उसके पीछे भी चलें, जरूरी नहीं आप नेक लोगों की राहों के पीछे भी चलें। आप देखें कि ये नेक शख्स जो है इसकी राह अल्लाह की है या नहीं है।